नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट आर्टिकल 35A। जी हाँ, आर्टिकल 35A एक सब पार्ट है ऑफ आर्टिकल 370, जो एक टेम्प्ररी प्रोविजन था फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एंड ये टेम्प्ररी प्रोविजन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ दैट टाइम्स फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अम्बेडकर जी। बट नेहरू जी जिद्दी पॉलिटिशियन थे और जिद्दी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने जानबूझ के ये टेम्प्ररी प्रोविजन ऐड किया इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये उनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि वो जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूएन लेके गए अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ सरदार पटेल, जिसकी वजह से हम अभी तक ये ड्रामा यूएन का टॉलरेट कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू कश्मीर। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 35A इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 370। ये आर्टिकल 370 हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट फीचर तब बन गया जब जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये आर्टिकल को डिसॉल्व करे बिना अपने आप को डिसॉल्व कर गई। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल 35A, जिसको ऐड किया गया अगेन आफ्टर फ्यू ईयर्स। आर्टिकल 35A प्रिवेंट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेलर्स, कॉर्पोरेट हाउसेज इन जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज जॉब क्रिएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसकी वजह से सफ़र करते हैं द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच आर यूजली कश्मीरी मुस्लिम्स, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को तो इन कश्मीरी पुअर मुस्लिम्स ने निकाल दिया है। सो नो इन्वेस्टर इज रेडी टू इन्वेस्ट हिज मनी इन कश्मीर, बिकॉज आप कश्मीर के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते कर्टसी आर्टिकल 35A। इनफैक्ट कश्मीर के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बने हुए हैं दैट हैव बीन सेट अप बाय द सेंटर इन जम्मू स्पेसिफिकली आर अंडर यूटिलाइज्ड, बिकॉज ये हॉस्पिटल्स और ये यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई प्रोफेसर या डॉक्टर नहीं जाना चाहता। ऑब्वियसली कौन जाना चाहेगा ऐसे जिहादी स्टेट के अंदर जहाँ पे लोग दूसरे लोगों का कत्ल करते हैं इफ़ दे डोंट गेट कन्वर्टेड इन टू देयर रिलीजन। सो ऑब्वियसली ये जो थॉट प्रोसेस है कि आर्टिकल 35A को हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इससे हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजी बनी रहती है, जो ऑब्वियसली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती प्रमोट करना चाहती है टू हर फॉलोअर्स, टू हर जनता, टू हर कश्मीरी मुस्लिम सिटीजन्स, बिकॉज ऑब्वियसली वो ये लोगों को बहकाना चाहती है जैसे 70 साल से ऑब्वियसली कश्मीरी पॉलिटिशियंस करते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर्टिकल 35A नीड्स टू गो इफ नॉट आर्टिकल 370, बिकॉज वो कहना चाहती है लोगों को कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर इज एडेड टू इंडिया, और अगर आर्टिकल 370 निकल गया तो जम्मू एंड कश्मीर विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ऑब्वियसली ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट शायद फिर सोचे कि उसको इंडिया के साथ जुड़ना है कि नहीं। तो आंटी ऑब्वियसली कम्युनल थॉट प्रोसेस प्रमोट करने की कोशिश कर रही है बिकॉज शी हैज बीन kicked out from BJP and उसका खुद का तो कोई वजूद है नहीं। So let's find a solution for all these people who are so desperate to brainwash the poor Kashmiri Muslims। आप लोगों ने कश्मीर से कश्मीरी पंडित्स को तो निकाल दिया, तो अब ये poor कश्मीरी Muslims को हम rehabilitate कर देते हैं इंडिया के बाकी states में, because ये poor कश्मीरी Muslims के पास right है, right to vote, and they are considered as Indian citizens courtesy Simla treaty and Delhi treaty and whatever। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता कि आप ये पूर कश्मीरी मुस्लिम्स को कश्मीर से निकाल दीजिए। आपको तो ऑब्वियसली लोगों की पड़ी है ना, आपको मट्टी की थोड़ा पड़ी है। यू डोंट केयर अबाउट द लैंड, यू केयर अबाउट द पीपल। सो महबूबा मुफ्ती जैसे पॉलिटिशियंस शुड बी रिहैबिलिटेटेड इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड कश्मीर इफ कैनॉट रिमूव आर्टिकल 370 और कैनॉट अबॉलिश आर्टिकल 35A, जिसकी वजह से ना कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है, ना कोई जॉब क्रिएशन हो सकता है, और कश्मीर एक ऑब्वियसली जिहादी स्टेट बन के रह जाता है, तो सेंटर को ये स्टेट को एज अ डिफेंस एरिया बना देना चाहिए, अ डिफेंस एरिया टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। एंड ऑल द पुअर कश्मीरी मुस्लिम्स शुड बी रिहैबिलिटेटेड इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक द वेरियस लिबरल्स एंड द अंकल्स एंड आंटीज ऑफ मीडिया विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट देम इवन इन देयर हाउसेज, बिकॉज ये लोग तो कश्मीरी मुस्लिम्स, रोहिंग्या ना मुस्लिम्स, सबके लिए लड़ते मरते रहते हैं रात दिन, और ये लोग अपना नंबर भी शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कर्टसी द पोस्ट फुलवामा टेरर अटैक। कैसे हमारे देश के लिबरल्स ने अपने नंबर्स तक डाल दिए थे सोशल मीडिया के ऊपर, और जब उनको क्रैंक कॉल्स या
या कोई आपत्तिजनक फोटोग्राफ भेजे गए तो उन्होंने इतना हंगामा किया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया उनके साथ. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A. एंड इफ वी कांट फाइंड अ सोल्यूशन टू आर्टिकल 370, लेट्स कन्वर्ट कश्मीर इनटू अ डिफेंस एरिया फॉर द गवर्नमेंट एंड लेट्स रिहैबिलिटेट द कश्मीरी मुस्लिम्स इनटू वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली गिव अ गुड हाउस, अ डिसेंट हाउस टू महबूबा मुफ्ती बिकॉज शी इज वन पर्सन हु इज डेस्परेटली नीडिंग सम सैनिटी एंड अ हाउस आउटसाइड कश्मीर. नमस्कार.